चैनल एस 11 न्यूज, आवाज से अंजाम तक। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के जन्म दिवस अवसर पर प्रशंसकों ने दी शुभकामनाएं। 28 अगस्त के रोज दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली संघ प्रदेश के माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के जन्म दिवस अवसर पर दोनों ही संघ प्रदेशों से उनके प्रशंसकों द्वारा इस विशेष दिवस को खास तरीके से मनाया गया और इस खास मौके पर प्रशासक जी को उनके दमन सचिवालय स्थित कार्यालय पर सुबह से ही दमन दीव और दादरा नगर हवेली प्रदेश से सभी राजनीतिक पार्टियों के चुने हुए नेता, सभी प्रशासनिक विभाग से अधिकारी और दोनों ही संघ प्रदेशों की खास हस्तियां माननीय प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को जन्म दिवस की मुबारक बधाई देने एक के बाद एक सचिवालय पर उपस्थित होते नजर आई। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली सांसद नटू भाई पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी द्वारा प्रफुल्ल भाई पटेल को पुष्प गुच्छ देकर शुभकामनाएं दी गई। तो इस यादगार अवसर पर हमारी एस 11 डीएनए न्यूज टीम की ओर से भी प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी को पुष्प गुच्छ देकर उनके दीर्घ आयु और सुख की कामना कर भगवान से प्रार्थना की गई और उनसे आशीर्वाद भी लिया गया। सचिवालय पर हमारी मुलाकात समय अवसर पर उपस्थित दादरा नगर हवेली जिला पंचायत अध्यक्ष रमन काकवा जी, उपाध्यक्ष महेश गावित जी ने हमारी चैनल से प्रशासक जी को खास शुभकामना दी। तो वहीं दादरा गांव सरपंच साहिबा सुमित्रा बेन, उप सरपंच कमलेश भाई, दादरा गांव जिला पंचायत सदस्य भारती बेन, पंचायत सभ्य अजीत भाई द्वारा भी चैनल के माध्यम से जन्म दिवस की शुभकामना बधाई दी गई। प्रफुल्ल भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर आज पूरा दादरा नगर हवेली दमन दीव के सभी लोग, बड़े नेता हो चाहे छोटे हो, चाहे सभी लोग एक साथ मिलकर नजर आ रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर लोगों की जो खुशी है आज जानते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। बताइए सर, क्या कैसा रहा माहौल और क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे लिए काफी खुशी का दिन है। हमारे दीव, दमन और दादरा नगर हवेली के प्रशासक महोदय जी का जन्मदिन है। मैं शुभकामना दे रहा हूँ और ईश्वर सद्बुद्धि और अच्छी तंदुरुस्ती दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रशासक से मिले आप और क्या किस तरह की शुभकामनाएं आपने दी? नहीं, आज हमने सिर्फ आदरणीय प्रशासक महोदय जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और आशा करते, उम्मीद करते उनका हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहे और प्रदेश के लिए, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लिए एक नई ऊर्जा के साथ नए अच्छे कार्य करें, यही शुभकामना के साथ हमने उनको विश किया। धन्यवाद। आज दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री का जन्मदिन है, तो मैं सर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और माँ अम्बे और ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ कि सर की हेल्थ अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, निरोगी रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसी मैं माँ अम्बे को प्रार्थना करता हूँ। और सर की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि सर जब से आया तब से दादरा नगर वाले दमन दीव का विकास बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो जनता का भी भला होगा उसमें। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमेशा हमारे दादरा नगर दमन दीव के विकास के लिए बहुत सोच कर सोचा है, तो सर आपका हम लोग बहुत आभारी है। कर एक लय बनाकर सभी ने उनका जन्मदिन को विश किया है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह के प्रशासक को आप शुभकामना देंगे? हमारे प्रदेश के लिए प्रफुल्ल भाई पटेल जो हमारे एरिया के लिए जो भी काम कर रहे हैं, खरेखर वो सराहनीय है और खास करके छोटे लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं और खास करके बालिका के जो विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, और इसमें कोई भी कानूनी व्यवस्था जो है, आज तक नगर हवेली में किसको पता नहीं था कि ये कानून है, ऐसा होता है। आज छोटे बड़े जो भी आदमी जाते हैं उसका कोई भी काम हो सकता है। आज ऑफिसर लोग पहले राजाशाही में जी रहे थे, आज अपने को ऐसा लगता है कि ऑफिसर काम कर रहे हैं। पहले के टाइम में, आज से 10 साल के पहले की आपको मैं बात बताऊं, तो यहाँ जो हालत थी हमारा प्रदेश की, पूछो मत, वहाँ 4-5 आदमी का ही चलता था। हमारे जैसे सरपंच लोग को भी कोई ऑफिसर अंदर जाने नहीं देते थे, एडमिनिस्ट्रेटर तो बहुत दूर की बात थी। आज एक ही बात है, हमको खुशी हुई है आके कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमको बिठाया, अच्छे से हमको सुना। आज इतना व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी अच्छी सुनाई की और हम ऐसे प्रशासन को हमारे प्रदेश के लिए चाहते हैं। और जब तक भी प्रफुल्ल भाई इधर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा रहे और हमारा प्रदेश का उन्नति करे, ऐसी मेरी शुभकामना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज का जो जन्मदिन है प्रफुल्ल भाई पटेल जी का, हमारे माननीय एडमिनिस्ट्रेटर जी का, वो उनको कामयाबी में बहुत लंबी उम्र दे। और उनकी जो आज मैंने उनसे पूछा था, आज उनका
वो 62 साल के हो गए हैं, तो 62 साल में मैंने देखा कि उनमें कितनी ये एनर्जी है, जो इतना काम करने के बाद भी आज हमने बात किया और पूछा तो हमें लगा कि उनके 62 साल है ही नहीं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत अच्छी रहे और हर साल इसी तरह उनका जन्मदिन मनाया जाए और दादरा नगर हवेली दीव में इसी तरह काम करते रहे। और हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी दादरा नगर हवेली दमन दीव में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, वो जल्दी से दूर हो जाए और दादरा नगर हवेली की जनता को और सभी को साथ सहकार दे। दीव दमन दादरा नगर हवेली का प्रशासन प्रफुल्ल भाई के जन्मदिन पर हम लोग महिला लोग सब लोग को एक आशा रखते हैं कि महिला का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो प्रशासन सुनेगा, न सुनता भी है, इसलिए हम जन्मदिन पर उसको स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ऐसा हम सभी जनता उसको खेडूतों के साथ भी खेडूत वाले जो लोग महिलाएं हैं, हाँ महिलाएं वो लोग उनके तरफ से भी शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। तो ये थे सभी पंचायत सदस्य और तमाम जो लोग राजनीतिक दल हो चाहे पर्सनली हो, हर तरह के लोग आकर प्रशासक को अपने उनके जन्मदिन पर एक शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत मिश्रा, S11 ENH News।